सीआईएसएफ की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले दो और आरोपियों को दुर्ग जिला पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। पूर्व में गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े गए आरोपी सीआईएसएफ आरक्षक जीडी परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा देते थे। और तलब है कि 18 मई को सीआईएसएफ आरटीसी भिलाई में भर्ती बोर्ड को धोखा देकर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की रिपोर्ट कुतई थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने 19 मई को धोखाधड़ी के सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने आगरा में दबिश देकर मामले के फरार आरोपी सतपाल सिंह एवं नथीलाल को गिरफ्तार कर भिलाई लेकर पहुंची। 18 मई को सीआईएसएफ के द्वारा थाने में आकर सूचना दिया गया कि आरक्षक भर्ती में 4 लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पा रहा है, जिसके आधार पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस दौरान 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनके मेमोरेंडम के आधार पर अन्य आरोपियों के बारे में पता किया गया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर टीम रवाना की गई थी। उक्त 2 आरोपी जो आज गिरफ्तार हुए हैं आगरा के फतेहाबाद थाने के अंतर्गत गिरफ्तार हुए हैं, जो उसमें से 1 सत्यपाल आरोपी है जो 4 आरोपियों की जगह रिटर्न पेपर बैठकर दिया था। 1 नथी करके आरोपी पकड़ाया है जो दौड़ने वाले जो 4 गिरफ्तार हैं उनकी जगह उनको लेकर आने में सहयोग किया था। इसके नथी के आगरा फतेहाबाद थाने में अन्य भी प्रार्थीगण आए थे, जिनके शिकायत थी कि इस तरह से अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया है। तो इस तरह से अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 अन्य फरार आरोपी अभी फरार हैं।